हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6। और इसमें जो हमें पढ़ना है डिवाइड पढ़ना है, डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग कैसे किया जाता है सिंपली आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग से बेसिकली रूल दिए गए हैं, इसको हमें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ठीक है, आपने इसके पिछले वीडियो में बताया था मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यदि डेसिमल दिया गया है यहाँ पर तो उसमें जैसे जीरो जीरो यानी जीरो वाला पोर्शन, जैसे हुआ 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, इस तरीके का अगर दिया गया है तो उसका डेसिमल जो होता था वो राइट साइड मूव करता था। ठीक है, लेकिन ये डिवाइड है, डिवाइड में डेसिमल कहाँ मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है, तो जो डेसिमल होता है यदि हमारा यहाँ पर दिया गया है तो हम जितने जीरो वाले पोर्शन होते हैं, जितने जीरो से डिवाइड करते हैं, वो हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में राइट साइड और डिवाइड में लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो इसमें हम आते हैं, इधर देखिए इसमें डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। ठीक है, इसमें जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर सिंपली 1, 2, 2 टाइम 0 है तो 2 टाइम लेफ्ट साइड आएगा डेसिमल, ये हो गया 14.52, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, हम देख लेते हैं एच पार्ट। ये हो गया 0.0087 डिवाइड 10,000। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 4 टाइम 0 है तो जो डेसिमल है वो डेसिमल 4 टाइम लेफ्ट साइड आएगा। देख लेते हैं इसको भी, तो इतना दिया ना 4 टाइम, इसको आगे और करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 7800, इतना डेसिमल दिया है लेकिन डेसिमल में 4 टाइम आगे ले जाना और, तो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, इतना हो गया हमारा इसका रिजल्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें जो अलग क्वेश्चन पढ़ना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें यल पार्ट करके दिए हैं, टोटल जो दिए हैं 12 पार्ट हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए इसका बेसिक ये वन ही रूल है, बेसिकली रूल वन है, कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। अभी देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें बेसिकली आपको चेंज करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, चेंज कैसे किया जाएगा, चेंज करने के लिए हम देख लेते हैं इसको। 18 है ये जो हमें डिवाइडेंट होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हमें डेसिमल डेसिमल पोर्शन से हटा देना है। ठीक है, डेसिमल पोर्शन से हटा देना है, कैसे हटाएंगे हम देखिए यहाँ पर, हम यदि इसमें 1, 2, 3 जो क्रिया इसमें करेंगे वही क्रिया इसमें भी करेंगे। कहने का मतलब इसमें यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है देखिए 18.207 अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कितना आएगा, कहने का मतलब सीधा ही है, तो इसमें डेसिमल जो है 3 टाइम राइट साइड चला आएगा, इतना हो गया। जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 टाइम राइट साइड मूव करेगा और इतना हो गया, और इसमें फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, उसके बाद 3 टाइम इसमें इसमें भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे जितना इसमें किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9। इसको हमने किस लिए किया कि टोटल हमें 9 वैल्यू फाइंड हो जाए, 9 यदि फाइंड हो गया तो हम डायरेक्ट इसका डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंपली, तो कर यहाँ पर डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे इस तरीके का, जैसे हम पहले करते आए हैं, 9 2 जा होता है 18, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है,
यहाँ से उतरेगा टू, टू टाइम नहीं जाएगा तो यहाँ पर हो गया जीरो, जीरो टू हो गया। अब उतारेंगे इसको हम जीरो, यहाँ से इस वाले पोर्शन को हम यहाँ, हमने यहाँ उतार दिया तो नाइन टू जा हो गया यहाँ पर एटीन, यहाँ पर टू कैरी हो गया। अब इसको हम उतारेंगे सेवन, नाइन थ्री जा 27 और ये कैंसिल, ये घट के हो गया हमारा जीरो। इस सब को सॉल्व करने के बाद जो आया है हमारा आंसर वो आया है 2023, ठीक है, और यही है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर और देख लेते हैं। हम लास्ट वाले पार्ट यानी यल को देखते हैं। ये दिया है हमारा 4.5 डिवाइड 0.0256। कैसे सॉल्व किया जाएगा मैंने अभी बताया। जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट को हम डेसिमल मुक्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिवाइडेंट कितना, कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 टाइम 0 से। तो यहाँ पर 4.5 इंटू 4 टाइम 0 वाला पोर्शन यही होता है 10,000, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा, इसको भी सेम टाइप करेंगे, ऐसे जितना इसमें मल्टीप्लाई उतना इसमें भी मल्टीप्लाई। एक करना ज़रूरी नहीं, यदि हम डायरेक्ट कर लेते हैं तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पर हो गया 4500 डिवाइड, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6। इसको सिंपली हम सरल कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा मैंने अभी पिछले वीडियो, पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले पार्ट में। ये हो गया 4500 3 टाइम 0, ठीक है। देखिए कितनी टाइम जाएगा ये, सबसे पहले 1 टाइम ले जाएंगे। 1 टाइम ले जाने के बाद ये कोई मानी बात नहीं है कि ये पूरा इंटीजर में या डेसिमल में भी आ सकता है। तो यहाँ पर 1 टाइम ले जाएंगे, 256 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 9, 1, ठीक है। और यहाँ पर 0 को हम ऐसे नोट कर लेंगे, ये जाएगा 7 टाइम। 7, 6 जा होता है 42, यहाँ पर 4 कैरी हो गया। 7, 5 जा 35, 35 और 4 39 हो गया, 3 कैरी हो गया। और 7, 2 जा 14, 14, 3, 17। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 8, ये हो गया हमारा यहाँ पर 4, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये 4 हो गया। और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, ठीक है। और यहाँ पर अभी 0 बचा है कितना, 1 टाइम। ये कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम, 5 टाइम ले जाते हैं, चेक कर लेते हैं। 6, 5 जा हो गया 30, 30 का 0, 3 कैरी, 5, 5 जा 25, 25, 3, 28, 2 कैरी, 5, 2 जा 10 और यहाँ पर हो गया 2, हो गया 5, 2 जा 10, 10 और 2, 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर 200 कैरी हुआ तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद 10 और यहाँ पर आ जाता है। अब कितनी टाइम ले जाएंगे हम, देखिए इसको ले जाने के लिए हमें ले जाना होगा ये 7 टाइम, ठीक है। 7 टाइम ले जाएंगे तो यही आ जाएगा फिर 1792। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ठीक है। इसको हम 0 यहाँ पर और बढ़ाएंगे एक बार। अब ले जाएंगे कितनी टाइम जाएगा, चेक कर लेते हैं, 8 टाइम, ठीक है। जब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2024। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 6,
ये हो गया 7 में से 2 के 5, यहाँ पर 0। ठीक है, इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर डेसिमल पोर्शन आ गया है। तो ये हो गया 175.78, यही है हमारा आंसर। इतने इतने से छोटे से आंसर को फाइंड करने के लिए हमें इतना लंबा रफ वर्क करना पड़ा, इतना तो सिंपली करना ही पड़ेगा कोई भी पार्ट हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल बाई होल नंबर। यदि हम किसी डेसिमल पोर्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्टेंट फाइंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। ए डेसिमल पोर्शन में हम जब होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसके लिए भी यही रूल हमें अपनाना है। 8.12 डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। ठीक है, सिंपली हमें ये करना है, यदि बीच में डेसिमल लगा है तो क्या करना है, 4 2 जा 8, 8 हो गया। यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है ना, तो डेसिमल यहाँ हम नीचे नहीं उतारेंगे, इस डेसिमल को ले जाके हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट में। ठीक है, और यहाँ पर 1 डिजिट को हम यहाँ पर नीचे राइट कर लेंगे, जैसे 1 हो गया। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा तो 0 टाइम ले जाएंगे तो 0 हो गया, 1 यहाँ पर राइट कर लिए, यहाँ पर 2 से सभी 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 3 जा होता है 12, ये हो गया हमारा 0, और जो आया है हमारा क्वाड्रेंट ये है 2.03। इसी तरीके से सभी पार्ट सॉल्व किए जाएंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग होल नंबर्स बाय डेसिमल। देखिए इसमें डेसिमल में होल नंबर से डिवाइड किया था और इसमें होल नंबर में डेसिमल से डिवाइड करेगा, सेम प्रोसेस है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर बताया था कि डेसिमल को चेंज करके सबसे पहले होल नंबर क्रिएट कीजिएगा, उसके बाद आप डिवाइड कीजिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 4 के ए पार्ट को। देखिए सबसे पहले आप डेसिमल को इंटीजर इसमें होल नंबर्स में क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर यदि हम 100 से यहाँ पर यदि हम हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम के तो ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बता दिए हैं कि जो सिंपल रूल होता है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 32। यहाँ पर ये जाएगा 3 टाइम, 2 टाइम ले जाएंगे इसको, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6। यहाँ पर 13 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 9, यहाँ पर हो गया 2 29, यहाँ पर 10 को हम राइट कर लेंगे, ये जाएगा 9 टाइम, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28, तो यहाँ पर 2 कैरी हो गया, यहाँ पर 0। यहाँ पर हम 0 टाइम ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा 20, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो गया हमारा 200। ले जाएंगे 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा तो 6 2 जा 12 हो गया, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 19, इसको सबट्रैक्ट किया तो आ गया 8। ठीक है, इसके आगे हमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आया है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया हमारा 290.6, ये है हमारा आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जितने भी पार्ट दिए गए हैं आप
इसी तरीके से चेंज करके सॉल्व कीजिएगा। अब जो हम अगला क्वेश्चन अगला वीडियो लेके आएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 13 तक इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।